कल डीसी साहब, डीसी सर आए थे और वो बोल के गए थे कि वो अब बारदाना पहुंच जाएगा, और दो बंडल उन्होंने खुद रखे हैं, वो भी नहीं बांट रहे। और दूसरी समस्या ये है कि वो बारदाना वाली तो कल होगी थी, और वो स्वयं ठेकेदार है ना, वो खरीद रहा है सिर्फ, तो वो बारदाना अपना स्वयं का रख लेता है, वो 100 रुपए काट कर ले रहा है लोगों से। अभी ये जो जाम की स्थिति बनी है, किस कारणों को लेकर क्यों जाम लगाया गया? जाम स्वयं अन्नदाता स्वयं 3 दिन से भूखा प्यासा यार मंडी में खड़ा है। ये जाम की स्थिति यही है कि इसमें ना तो यहाँ पे कोई किसान की कोई बूझ नहीं है, जब सब हो रहा है वो ठेकेदार की वजह से हो रहा है। हम पिछले 4 दिन से 25 तारीख रात को यहाँ पे आया था, हम सारे जो है किसान भाई 25 तारीख की रात को यहाँ पे आए थे। ना पानी की व्यवस्था है, ना छाया की व्यवस्था, किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से एक आदमी खराब कर रहा है। पवन शर्मा, यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मंडी को रामविलास शर्मा खत्म कर चाहता है। हम अपनी हम कहते हैं ओ भाई, हम भाई सिर्फ क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि प्रशासन यहाँ आए और हमारी सुनवाई करे। और 3 दिन से हम यहाँ 25 तारीख को आए थे, आज 28 तारीख है, 28 तारीख से हम भूखे प्यासे परेशान है, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। मंत्री जी, महाराज मंत्री जी, सरकारी रेट पे मेरा गेहूँ और मेरी सिरसों खरीद लो, हम मानांगा। ये जनता की मांग है, ये मेरी नहीं है, सारा हरियाणा की। और बात सुनो, जो रेट है ना, वो यानी कि रामविलास शर्मा जी यानी कि झूठ बोल रहे हैं, और ये सारे किसान भाई ये सच्चाई और संघर्ष कर रहे हैं 3 दिन। और बता पहले तो 2-3 दिन तो टोकन ना मिले हो, टोकन मिले हो तो फिर बारदानो ना मिले हो, और बारदानो मिल गो थी वो क्या नाम कहीं ने तोलनी हो ना मिल रही हो, बड़े समस्या है। हमने तो 3 दिन हो बारदानो ही ना मिले, पास ही ना हो, धक्का लगाऊनी पूरा पैसा मांगे है, भरणिया पैसा मांगे है, लोडिंग से जो है कि मैं देते हो। अभी आपकी डिमांड क्या है, क्या मांग? डिमांड यह है 3 दिन हो लिया, पास ही ना हुई हमारी तो बारदानो 1000 गांठ तरी हुए बिना दे रहे जमींदारा ने, ये भी मिल के आया सामी, बोलो कहाँ कहाँ दिया, बोलो अपने आप हमें 20 जमींदार तो निकले आज, इतना बारदानो धरे 20 जमींदार तो घर ने अभी प्रशासन से इस तरह की आपने मांग की है अभी? प्रशासन डीसी साहब का आया था कल, उससे कही थी, वो बोल के भी गए थे किसानों को कि हमको बाहर देने की व्यवस्था, बाहर देने की कमी नहीं होगी। और एक उठान पर क्रिया है ना इसका भी, ये 3-3 दिन लोडिंग की गाड़ी नहीं आती, 3-3 दिन यहाँ माल तुलने के बाद भी 3-3 दिन किसान यहाँ बैठे रहते हैं। इसी मंडी में ये व्यवस्था है, इसी व्यवस्था किसी मंडी में नहीं है। नहीं तुलाई होगी तो जमींदार उड़े क्यों पड़े हो रहे 3 दिन, वो क्या मतलब है तुलाई होगी? धक्का लगाने लिया वो रिश्वत ले, फिर लोडिंग के लिए कहीं लेबर ने लिया वो रिश्वत ले। तो आपको क्या लगता है यहाँ सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ मतलब मिली भगत से कुछ दादली बात हो रही है? सिरसू बड़ा बड़ा ढेर अभी भी बारदानो सर तुलाई चल रही है। हमने शाम नाइट का बारदानो खत्म होगा। चलो ठीक, दुनिया की मेरी टोकन ले लियो, मैं दे दियो भाई ने टोकन की सिरसू जा रही है, जैसे मैं सवाल नहीं कर रही। हाँ मर्जी दे दियो ना, वो मेरी मर्जी, वो चले गए, बात गलत है, गलत नहीं है, अरे परेशान हो गए। सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा
हरियाणा सरकार जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। बातचीत ही मत ना करो, बैठ के ना लीजा को आगे कौन ने जान दिया, कौन ने जान दिया करने के लिए को बात मत ना करो। अरे भाई पत्रकार ने बताओ ना कौन कौन निकले रहे हैं जो सबसे खरीदा व्यापारी है, व्यापारियों के 4,400 का भाव में वो सरसों ले रहे हो, आगे मारी सरसों तेरे वो कमावे सबसे व्यापारी क्या करते हैं, 13 टोकन ले लिया उसका ले लिया, एक आदमी छोड़ो एक मिनट, उनकी सबसे पहले बिक्री हो जाती है जिसके 10 टोकन है और एक आम जमींदार बेचारा पांच पांच मुद्दा है।